महाशिवरात्रि के अवसर पर भोपाल में होगा अनोखा आयोजन। शिवरात्रि की सुबह बाबा बटेश्वर मंदिर से निकलेगा चल समारोह। समारोह में आगे युवतियां करती नजर आएंगी शंखनाद। समारोह के बीच में अयोध्या लाया गया श्री राम का पुष्पक विमान होगा आकर्षण का केंद्र। समारोह के आखिरी में 125 युवा की बजाएंगे डमरू। डमरू टीम ने 22 जनवरी को अयोध्या में दी थी आकर्षक प्रस्तुति। लगातार हावी होती पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ डमरू टीम का प्रयास। हमारी समिति बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति जो है वो भगवान महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे अयोध्या से लाकर पुष्पक विमान जो वहाँ रखा हुआ था वो 7 तारीख को यहाँ आ जाएगा, कल आ जाएगा, तो उसको अपन नगर भ्रमण कराएंगे। और उसके बाद मेन खासियत ये कि इस बार हमारे साथ गर्ल्स भी ऐड हुई हैं जो कि शंखनाद करेंगी आगे। क्या उसमें लगभग है ना, वैसे तो 50 का राउंड समथिंग है गर्ल्स, लेकिन शंखनाद करने वाली 25 लड़कियां हैं। आपकी टीम में कितने सदस्य होंगे और क्या क्या वो परफॉर्म करेंगे शिवरात्रि की रैली? हमारी समिति के लगभग 150 से ऊपर सदस्य हैं और उस दिन है ना आगे गर्ल्स रहेंगी जैसे जो शंखनाद करेंगी। इसके बाद हम लोग का कीर्तन रहेगा जो हम लोग करते हैं कीर्तन। इसके बाद भगवान का पुष्पक विमान रहेगा। बिल्कुल उसमें आपको है ना जितनी देर जब तक मतलब सुबह 9:30 बजे से रात के 9 बजे तक 12 घंटे तक नॉन स्टॉप कीर्तन चलेगा। लड़कियों को जोड़ने का क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा ये मैसेज है कि जो मतलब गर्ल्स पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रही हैं, धर्म से विमुख हो रही हैं, और हम उनको मतलब धर्म में जोड़ना चाहते हैं कि धर्म के प्रति उनका भी लगाव रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की अपनी एक वैलिडिटी है, वो वहीं पे सही रहता है। तो अगर वो हमारे धर्म के प्रति झुकाव होता है तो आज जैसे हम लोग पहले जुड़े थे तो हम 4 लड़के जुड़े थे, आज समिति में हमारे कम से कम 6,000 से ऊपर लोग हैं जुड़े हुए। तो ऐसी गर्ल्स के साथ हमने स्टार्टिंग करी है, आने वाले टाइम में गर्ल्स भी जुड़ेंगी जो कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रही है, उनका भी डाइवर्जन होगा कि वो धर्म के प्रति उनका सनातन की तरफ झुकाव रहे। आपकी टीम